जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में पदस्थ स्टाफ के बीच व्हाट्सएप ग्रुप पर की गई टिप्पणी को लेकर गहराए विवाद थाने तक पहुंच गया। यहां गायनिक ओटी इंचार्ज आशा कुशवाहा और नर्सिंग ऑफिसर संध्या गंगारेकर के बीच हुए विवाद के बाद अन्य स्वास्थ्य कर्मी गायनिक इंचार्ज के समर्थन में उतर आए और नर्सिंग ऑफिसर गंगारेकर पर कार्यवाही की मांग को लेकर काम बंद कर अस्पताल से बाहर निकल गए। इसके बाद मैटरनिटी का झगड़ा अस्पताल परिसर से फिर थाने तक पहुंच गया। उसी को लेकर विभाग के ग्रुप में संध्या गंगारेकर ने निजी टिप्पणी की थी। उसी को लेकर जब आपत्ति दर्ज कराई तो उन्होंने विवाद किया। पति सुजीत समझाने गए तो उनके साथ भी मारपीट की, जिससे उनके गले में खरोचे आई हैं। सिविल सर्जन ने बताया, नर्सिंग अधिकारी संध्या के व्यवहार को लेकर पहले भी शिकायतें मिली थी। उन्होंने पूर्व में भी विभाग को संध्या के स्थानांतरण का पत्र लिखा था। स्टाफ के विवाद के चलते करीब 4 घंटे तक स्वास्थ्य सुविधाएं बाधित रही। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। ये था कि मेरे बारे में, मैं श्रीमती आशा कुशवाहा गायनिक ओटी की इंचार्ज, मेरे बारे में संध्या गंगारे सिस्टर ने जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके एक क्या बोलते हैं उसको क्या डाला टिप्पणी करी, मैसेज किया मैटरनिटी ग्रुप पर कि आशा भाई नर्स ने धोबी समाज से शादी की है। तो ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरा पर्सनल मामला है, इसमें इसको बोलने का कोई हक नहीं था। तो मैं उसके वार्ड में बोलने गई कि सिस्टर आपने ऐसा क्यों लिखा मेरे बारे में, तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो आशा मेहता भी है, आशा डेविड भी है और आशा मेरी बहन का भी नाम है। मैंने सिस्टर, मैंने बोले इस मामले में आशा समाज में, धोबी समाज में मैंने शादी करी है, इसमें आपको कोई लेना देना नहीं है। तो बोले देखो जो करना है आप कर सकते हो, है ना, जो करना कर लो, जिसको शिकायत करनी कर दो, कलेक्टर कर दो, सिविल सर्जन को कर दो और निकलो बोले मेरे बाहर से, बोले निकल जाओ बोले मेरे बाहर से। इतने देर में फिर मैं मेरे मिस्टर को बोलने गई कि देखो इसने इस तरीके से बोल लिखा, तो ये आए उसको बोलने, तो उनको ऐसे कौन ही मार मार के उसने बाहर किया और मारपीट करी और कॉलर पकड़ खींचा, जिनके इनके गले पे खरोच का निशान भी है आप देख सकते हैं। और कर्मचारी क्या बोले हड़ताल कर रहा है, ये हड़ताल नहीं, 1-2 घंटे के लिए बाहर निकले हैं काम बंद करके, क्योंकि उसी जातियां वो हर एक के बारे में टिप्पणी करती है। और अभी भी यदि आप लोगों ने देखा होगा कि वहाँ किस तरीके से वो वीडियो बना रही थी, क्या चाहते हैं, मैं चाहती हूँ इसका कुछ निराकरण होना चाहिए, इसमें कार्रवाई हो। पुलिस को भी शिकायत कर रहे या प्रशासन को कर रहे, उसने करा, हम तो हमारे सिविल सर्जन को कहने गए थे, हम अभी पुलिस में नहीं गए हैं और FIR भी अभी हमने दर्ज इसलिए नहीं कराई कि पहले हम हमारे सिविल सर्जन से बात करेंगे। तो उन्होंने सिर्फ आश्वासन दिया है, अब आगे क्या होता पता नहीं। क्या नाम है आपका? श्रीमती आशा कुशवाहा गायनिक ओटी इंचार्ज। नर्सों ने काम बंद कर दिया, पुलिस थाने तक हमारी जो है सिस्टर है उसका व्यवहार थोड़ा सा ऐसा ही है, दूसरों के साथ वो जल्दी उग्र हो जाती है, दूसरों से विवाद करने लगती है। पहले भी उसके जो है वो प्रकरण हुए हैं, वरिष्ठ कार्यालय में भी लिख के दिया हुआ है और अभी RJD साहब से हमारी बात हुई है, CMHO साहब से बात हुई है, तो सारे लोग ये चाहते हैं कि वो यहाँ नहीं रहे, तो हम प्रयास कर रहे हैं कि उसकी यहाँ के अलावा कहीं और किसी जगह जो है वो ड्यूटी लगा दे ताकि विवाद जो है वो खत्म हो। हाँ, कई बार विवाद है। एक हमारी सिस्टर का कहना है कि वो व्हाट्सएप ग्रुप में वो लिख रही है कि किसी धोबी से जो है वो शादी कर ली है और व्यक्तिगत जो है वो इस तरह की बातें लिख रही है, इससे वो नाराज थी, दोनों के बीच में इसको लेकर कुछ विवाद हुआ है और वो उसने किसी कालर भी पकड़ी है, तो इस तरह की घटना बता रहे हैं। क्या कार्रवाई की जा रही है? तो CMHO साहब द्वारा जो है वो उनकी ड्यूटी कहीं और लगा देने की कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है? मैं डॉक्टर AS चौहान। अस्पताल में एक कर्मचारी नर्स हैं जिनके द्वारा की साथी स्टाफ के साथ में गाली गलौज कर और मारपीट की गई, जिस पर कि थाना उपस्थित आने पर उसकी तरफ से FIR दर्ज की जा रही है, एवं अन्य महिलाओं के द्वारा, स्टाफ नर्स के द्वारा एक आवेदन दिया गया है जिसको जांच में लिया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़।
हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।